हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग करेंगे पेपर का एनालिसिस करेंगे जो कि आपका मिल्क केमिस्ट्री एंड एंड जो आपका डेयरी केमिस्ट्री और एनिमल न्यूट्रिशन का जो पेपर होता है 2021 में कैसा पेपर आया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए जानते हैं कि इसमें जो है आपके पिछले साल आपके 60 क्वेश्चन आए थे, 1.5 घंटे का समय था, ठीक है। तो इस साल भी जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी वह कुछ इसी प्रकार रहेगी और जो पैटर्न रहेगा वह भी इसी प्रकार रहेगा। बस एक चीज थोड़ी सी याद रखनी है कि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई अच्छी तरीके से कॉलेजों में नहीं हो पाई थी, तो पेपर का जो थोड़ा सा पेपर जो रखा गया था थोड़ा सा इजी वे में था, लेकिन हो सकता है कि इस बार कॉलेजेस में पढ़ाई हुई है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई हुई है, तो उसी प्रकार से पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा उठा दिया जाए। तो तैयारी थोड़ी अच्छी तरीके से करनी है। देखिए इसमें जो है आपका 2021 का पेपर है डेयरी केमिस्ट्री का, डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन का। थोड़ी सी जानकारी दे दें कि पिछले साल जो एनिमल न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उससे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरे 60 क्वेश्चन में 2, 3, 4 क्वेश्चन ही आपके एनिमल न्यूट्रिशन से आए, बाकी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन है, वह सभी के सभी मिल्क केमिस्ट्री या डेयरी केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं 2021 के पेपर एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में? पेपर एनालिसिस के बारे में, कि पेपर का एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन था कि दूध चढ़ाने का, इसका पेपर जो है इसका इंग्लिश फॉर्म में भी आता है और हिंदी में भी आता है, दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। जिसे हिंदी अच्छे से आती है वह हिंदी वाला कर सकता है, जिसे इंग्लिश अच्छे से आती है उसे इंग्लिश वह इंग्लिश वाला कर सकता है, और जो बाइलैंगुअल पढ़ाई करता है जिसे हिंदी में समझ में ना आए इंग्लिश में भी समझ में ना आए तो वो दोनों का बाइलैंगुअल करके किसी भी प्रकार से आंसर को दे सकता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका था कि दूध चढ़ाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, यानी कि जो आपकी गाय होती है या भैंसे होती हैं, बफेलोस होती हैं, उनमें जो दूध चढ़ा लिया जाता है ये क्यों चढ़ाती हैं? क्योंकि जब इन्हें कोई ना कोई डर होता है इसलिए ये दूध को चढ़ा लेती हैं। तो दूध को चढ़ाने के लिए एक हार्मोन होता है जो कि उत्तरदायी होता है, वह कौन सा हार्मोन होता है? तो उसके लिए देखिए सबसे पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं कि जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसे हम नाम देते हैं लेट डाउन ऑफ मिल्क। लेट डाउन ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध को उतारने में सहायक जो हार्मोन होता है वह होता है आपका कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम नाम देते हैं लेट डाउन हार्मोन, ठीक है। एक बात क्लियर होगी, यानी कि यह आपका ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है दूध का सेक्रेशन करना या दूध को बनाना, क्या करना? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क या फिर सेक्रेशन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी यहां पर सही ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, लेकिन पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एड्रेनलिन। तो जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन होता है वह दूध को चढ़ाने में सहायता करता है, यानी कि दूध को चढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह आपका पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन। क्वेश्चन को यदि इसी स्ट्रेटजी से करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सही हो जाए, बिकॉज यदि आपको दो क्वेश्चन दो ऑप्शन आ रहे हैं और तीसरा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज है तो चौथा ऑप्शन आपके पास पक्की बात है कि चौथा ही आपका सही होगा। तो इसमें आपको 3 चीजें जानने को प्राप्त हुई कि एक तो आपका एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे हम होल्डिंग अप ऑफ मिल्क कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं होल्डिंग अप ऑफ मिल्क, किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लेट डाउन ऑफ मिल्क, यानी कि दूध को उतारने में सहायक होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वह दूध का सेक्रेशन करता है, दूध का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इज नोन एज ए प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन था आपका नन ऑफ दीज, तो इसमें पहला ऑप्शन ही आपका सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1 लीटर दूध का वजन होता है, 1 लीटर दूध का वजन होता है, ऑप्शन है आपके पास 1030 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1100 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है आपका 930 ग्राम और चौथा ऑप्शन है आपके पास 950 ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने शायद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क पढ़ा होगा कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030 तक होता है और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.030 से
1.032 तक होता है। ठीक है, अब इसमें जो भी आपका अपेक्षित घनत्व होता है उसमें यदि हम 1000 से गुणा कर दें, 1000 से गुणा कर दें तो जो है आपका वजन निकल आता है। उसी प्रकार से यदि ऑप्शन देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा कि 1030 ग्राम, 1.3 ग्राम में, 1.030 में यदि हम 1000 का गुणा करते हैं तो वहां पर 1030 ग्राम आपका सही ऑप्शन होगा। जबकि जो आपका घी होता है, फैट होता है, उसका अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है, तो उसमें यदि हम जब 1000 का गुणा करते हैं तो वहां पर 930 ग्राम होता है। यानी कि 1 किलो 1 लीटर घी का वजन 930 ग्राम होता है। जबकि हम बात करें 1 लीटर दूध की तो 1 लीटर दूध का वजन 1 किलोग्राम और 30 ग्राम होता है, यानी कि 1030 ग्राम होता है। क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान जो होता है वह आपका सीधा सीधा लिखा हुआ है इसमें, 6.6 जो है दूध का पीएच मान होता है। ठीक है, गाय की किस नस्ल में वसा सबसे अधिक होती है? गाय की किस नस्ल में वसा सबसे अधिक होती है, मतलब हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मिल्क, विच ब्रीड्स ऑफ काउ मिल्क, मतलब कौन सी गाय की नस्ल में सबसे अधिक वसा होती है? ऑप्शन है आपके पास साहिवाल, सिंधी, जर्सी और गिर गाय। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वह है आपका जर्सी गाय, जिसमें सबसे अधिक वसा होती है। ठीक है, जिसका जिसका ओरिजिन या नेटिव कहां पर है? जरसिंध। कहां पर है? जरसिंध, या फिर जो आपका इंग्लिश चैनल होता है, इंग्लैंड, जिसे इंग्लिश चैनल कहते हैं, इसका नेटिव स्थान है। ठीक है, और सिंधी गाय का सिंध प्रांत है, और साहिवाल का मॉन्टगोमरी पाकिस्तान होता है। ठीक है, तो ये जो है, और गिर गाय का गिर काठियावाड़ गुजरात है। ठीक है, तो ये इनके नेटिव है, मतलब इनका जन्म स्थान। ताजे गाय के दूध में प्राकृतिक अम्लता होती है, मतलब नेचुरल एसिडिटी, जो आपका फ्रेश मिल्क होता है उसमें नेचुरल एसिडिटी का कितनी होती है उसके बारे में यदि हम बात करें तो उसका जो आपका सही ऑप्शन है वह है आपका 0.14%। कितनी होती है? 0.14% इसकी जो है ताजे दूध में, गाय के ताजे दूध में अम्लता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके दूध में सबसे अधिक लैक्टोज होता है? ऑप्शन है आपके पास गाय के दूध में, भैंस के दूध में, भेड़ के दूध में, या फिर मानव के दूध में। यानी कि लैक्टोज का मतलब होता है या एक प्रकार की शुगर होती है जो कि डाइसैकेराइड शर्करा होती है। लैक्टोज को यदि हम दो भागों में तोड़ते हैं तो एक आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका गैलेक्टोज का अणु प्राप्त होता है। तो लैक्टोज जो होती है वह आपकी कैसी शर्करा है? मीठी शर्करा होती है जो कि दुग्ध में पाई जाती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में किसके दूध में सबसे अधिक लैक्टोज होता है? ऑप्शन है आपके पास मानव के दूध में, भेड़ के दूध में, भैंस के दूध में, या फिर गाय के दूध में। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका मानव के दूध में। यानी कि मानव का दूध गाय के दूध की अपेक्षा या भैंस के दूध की अपेक्षा या भेड़ के दूध की अपेक्षा ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आगे आपके क्वेश्चन क्या है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए हमने उनको एक फॉर्म में सजाया है और यदि ज्यादा इनको बड़ा करेंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन आपको सामने बोलते हैं और जो है आपको सही ऑप्शन हम बता देते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी विटामिन प्लांट हार्मोन की तरह कार्य करती है? प्लांट हार्मोन की तरह कार्य करने वाली विटामिन कौन सी है? तो उसमें जो आपके पास ऑप्शन था वह था आपके पास नंबर ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो जो आपका विटामिन ए है, बी, सी, डी, इनमें जो आपकी सही ऑप्शन है प्लांट हार्मोन की तरह कार्य करने वाली जो आपकी विटामिन है वह आपकी विटामिन डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध का सबसे अच्छा स्रोत होता है, कौन होता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है आपका लोहा, मतलब एफी एंड कॉपर। ठीक है, उसके बाद सोडियम, पहला ऑप्शन एफी, दूसरा ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम एंड फास्फोरस, और चौथा ऑप्शन है आपके पास जिंक एंड मैग्नीज। कौन सा है? जिंक एंड मैग्नीज। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस।
कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत होता है, इसमें सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं, कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते क्या है, इनके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए एंजाइम का मतलब होता है, एंजाइम दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहले तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है लिपिड, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है प्रोटीन, प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब अकार्बनिक पदार्थ। तो पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन लिपिड, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन इनऑर्गेनिक। तो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वह जो है आपके क्या होते हैं, एंजाइम दो शब्दों से मिलकर के बना है, एन प्लस जाइम, जाइम का मतलब होता है ईस्ट, यानी कि खमीर जिसे हम बोलते हैं, और एन का मतलब होता है इन, इनका मतलब खमीर में पाए जाने वाले तत्व जो आपके होते हैं वही आपके एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम वर्ड सर्वप्रथम कोहने नामक वैज्ञानिक ने दिया था, किसने दिया था, कोहने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो जो आपका एंजाइम है वह क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या प्रोटीन है या इनऑर्गेनिक मटेरियल है। एंजाइम, एंजाइम जो होते हैं, जो आपका प्रोटीन होती है वह तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लिपिड जो होते हैं वह भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं बिकॉज इनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट CHO के बने होते हैं जबकि प्रोटीन CHO और N से मिलकर के बनी होती है। इनऑर्गेनिक, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वह होगा इनऑर्गेनिक मटेरियल, कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। देखिए पेपर सॉल्व करने से हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो पेपर सॉल्व हो जाता है, दूसरी चीज हमें कई चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो कि हमसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो पेपर सॉल्व करने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इसमें जितने भी आपके ऑप्शन आए हैं उसके क्रॉस क्वेश्चन बनाकर आपको दिए जाएं और आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, एंजाइम की बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बरसीम का उत्पत्ति स्थान पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बरसीम का उत्पत्ति स्थान पूछा गया है। तो बरसीम का उत्पत्ति स्थान ऑप्शन में दिया है इंडिया है या जो है आपका मिस्र है, इंडिया है या मिस्र है या इसके अलावा ब्राजील है, या इसके अलावा ब्राजील है या फिर आपका मैक्सिको है। तो देखिए बरसीम का उत्पत्ति स्थान आपको पता होगा मिस्र होता है, या फिर मिस्र ना दे करके कहीं कहीं इजिप्ट दे देता है, क्या दे देता है, इजिप्ट। तो यदि मिस्र ना दिया हो तो इजिप्ट होगा, और यदि इजिप्ट ना दिया हो तो फिर मिस्र सही होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी बरसीम की। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ हम आपके टाइम के बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि टाइम आपका कैसे यूटिलाइज करते हैं उस प्रकार से, इसलिए हम बार बार क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, टाइम ज्यादा जाएगा हमारा भी टाइम ज्यादा बर्बाद होगा और आपका भी टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा इसलिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा और उसके आपको कई क्रॉस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में केसिन की मात्रा, गाय के दूध में, गाय के दूध में केसिन की मात्रा। अब देखिए केसिन एक वर्ड आया है, यदि आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जानने की बात तो यही है कि केसिन होता क्या है। तो गाय के दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे हम केसिन कहते हैं, क्या कहते हैं, गाय के दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे हम केसिन प्रोटीन कहते हैं। अब पूछा गया है कि उस जो केसिन प्रोटीन होती है उसका क्या परसेंटेज होता है, क्या वह 2.5% होती है, क्या वह 3% होती है, क्या वह 2.1% होती है, और या फिर उसमें नन ऑफ दीज होता है। गाय के दूध में केसिन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो सही ऑप्शन जो है वह है आपका 3%, क्या है, 3%, गाय के दूध में केसिन की मात्रा 3% तक पाई जाती है। अब किस तत्व की दूध में कमी पाई जाती है, किस तत्व की दूध में कमी पाई जाती है, दूध में कमी पाई जाती है, पाई जाती है तत्व की, कौन से तत्व की कमी पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है मैग्नीज, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन एंड फास्फोरस। तो सबसे ज्यादा जिस तत्व की कमी पाई जाती है वह होता है आपका आयरन, दूध में आयरन तत्व की यानी कि लोहा की कमी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया था। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको शायद पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड क्वाइंड बाई किसने दिया था, मतलब वर्ड क्वाइंड बाई, क्वाइंड बाई यानी कि किसने दिया था,
तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड है वह हमारे देश में लगभग 65, 66, 67 में, वैसे इसका पूरा दशक माना जाता है 1960 से लेकर के 1970 का पूरा दशक ग्रीन रिवॉल्यूशन का होता है, जिसके फादर आपके कहे जाते हैं कौन से, हमारे भारत में जिसके फादर कहे जाते हैं वह है आपके एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। और जो आपके पूरे वर्ल्ड के जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं वह है आपके डॉक्टर एनी बोरलाग। कौन है? डॉक्टर एनी बोरलाग हैं। और डॉक्टर एनी बोरलाग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनी बोरलाग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड किसने दिया था, तो इसमें ऑप्शन है आपके एम एस स्वामीनाथन ने, एनी बोरलाग ने, विलियम एस गॉल्ड ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, आपके पास पेपर होगा, यदि नहीं है तो हम इसका पेपर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे क्वेश्चन मिला लेना वीडियो देखने के बाद, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, बिकॉज देखिए एनी बोरलाग जो है वह आपके कहां पर, पूरे पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है। एम एस स्वामीनाथन जो है वह आपके भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है, लेकिन वर्ड किसने दिया था, वर्ड दिया था विलियम एस गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम एस गॉड ने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड दिया था। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड का प्रयोग किसने किया था? विलियम एस गॉड ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि खीस गर्म करने पर किसके कारण स्कंदित हो जाती है। स्कंदित का मतलब होता है फट जाना, क्या होना, फट जाना। तो खीस किसके कारण फट जाती है, कोगुलेशन हो जाता है भाई, कोगुलेट हो जाती है। खीस कोगुलेट, खीस कोगुलेट यानी कि किसके कारण होती है, कॉज्ड बाई किसके कारण होती है। देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से पेश कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं और कैसे आपके सामने आ सकते हैं और समय बचाने के लिए भी। तो खीस गर्म करने पर किसके कारण स्कंदित हो जाती है, उसमें देखिए खीस में पहले तो हम बात कर लेते हैं जो आपकी खीस में पाई जाने वाली क्या होती है, खीस में पाई जाने वाली जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं या फिर दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती हैं। तो जो आपकी मेजर प्रोटीन होती है वह तो होती है आपकी केसीन, लेकिन केसीन के अलावा दो माइनर प्रोटीन भी पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन और आपकी ग्लोब्यूलिन। तो जब हमारे दूध में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता हो जाती है, तो वह जो है आपका दूध या खीस होता है वह फट जाता है, खीस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, किसके कारण फट जाती है, तो वह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कारण फट जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन थे आपके केसीन, लैक्टोज, ग्लोब्यूलिन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा, ग्लोब्यूलिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्बर टेस्ट किया जाता है, गर्बर टेस्ट किया जाता है किसके लिए किया जाता है, गर्बर टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन में है आपके पास प्रोटीन, ऑप्शन में है आपके पास प्रोटीन टेस्ट करने के लिए, या अगला है आपका वसा टेस्ट करने के लिए, वसा टेस्ट करने के लिए, अगला है आपके पास हंसा परीक्षण, या फिर लैक्टोज टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हंसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है गाय के दूध में, जब भैंस के दूध की मात्रा को मिला दिया जाता है तो फिर हम हंसा परीक्षण करते हैं। लेकिन जो आपका गर्बर टेस्ट किया जाता है, प्रोटीन टेस्ट किया जाता है जेलडाल विधि के द्वारा, प्रोटीन टेस्ट किया जाता है जेलडाल विधि के द्वारा। हंसा परीक्षण किया जाता है किससे, किसके कारण, कि यदि हमें पता लगाना है डिटेक्शन ऑफ दी काउ मिल्क एडल्ट्रेंट्स इन बफेलो मिल्क, यानी कि काउ मिल्क में जब बफेलो मिल्क को मिलाया जाता है तो हम उसका परीक्षण करने के लिए हंसा परीक्षण करते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं गर्बर टेस्ट के बारे में, तो गर्बर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है वसा टेस्ट करने के लिए कि हमारे दूध में कितनी वसा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत दूध में मतलब स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में SNF की प्रतिशत मात्रा होती है। तो SNF की जो प्रतिशत मात्रा होती है किसमें, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में, यानी कि मानकीकृत मिल्क में जो दूध की SNF की मात्रा होती है वह होती है आपकी 8.5%। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 8%, 8.75%, 9% और आपका 8.5%। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका 8.5%। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध में स्टार्च अपमिश्रण का पता लगाया जाता है। दूध में यदि हमने स्टार्च को मिला दिया है तो
कैसे हम पता लगाएंगे कि दूध में हमने स्टार्च को मिलाया है। दूध में हमने यदि स्टार्च को मिलाया है तो हम किस परीक्षण के द्वारा पता लगाएंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पास आयोडीन परीक्षण, पहला ऑप्शन है आपके पास आयोडीन टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास हंसा परीक्षण, तीसरा है आपके पास सीओबी और चौथा है आपके पास सेंडिमेंट्स। तो देखिए, हंसा परीक्षण हमने आपको बता दिया, हंसा परीक्षण हमने आपको बता दिया कि इसमें इसका प्रयोग करते हैं गाय के दूध में, जब भैंस के दूध की मात्रा बढ़ा है तो ये नहीं होगा। सीओबी यानी कि सीओबी का पूर्ण नाम होता है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट यानी कि बॉइल करते हैं इसको, यदि यदि जो है क्या क्लॉट जम जाते हैं, मतलब थक्के जम जाते हैं, ठीक है। और सेंडिमेंट्स, मतलब सेंडिमेंट्स का मतलब आप जानते ही होंगे, रूपांतर या कायांतर, ठीक है। तो ये टेस्ट नहीं होते हैं। स्टार्च का पता लगाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आयोडीन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस मतलब वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस ऑप्शन है आपके पास 1 मई, 1 मई, 1 जून, 15 जून या 1 अप्रैल। तो देखिए, 1 अप्रैल, 15 जून, 1 जून या फिर 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सीधा सीधा है, 1 जून को, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे में अंधेपन का शिकार होते हैं? भोजन में किस तत्व की कमी से बच्चे अंधेपन का शिकार होते हैं? अंधेपन का मतलब है आंख से संबंधित, और जहां पर भी आंख से संबंधित की बात आए और वहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, जहां पर भी आंख से संबंधित किसी भी रोग की बात आती है तो आप आंख बंद करके ऑप्शन में सही टिक कर देना है विटामिन ए। बिकॉज अंधेपन, या फिर हम बात करें रतौंधी की, रतौंधी या जिसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में के नाम से जानते हैं, या अंधेपन की बात करें, तो वहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, और इसकी पूर्ति के लिए हम जो है जितने भी आपके पके फल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। जितने भी आपके पके फल होते हैं उन सभी में क्या होता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका पका आम होता है, क्या होता है? पका आम, जितने भी आपके पीले फल होते हैं, पीले कलर के जितने भी फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें जो है आपकी विटामिन ए पाई जाती है। जैसे पका आम, इसमें 4800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए के पाए जाते हैं। उसी के बाद आपका जो पपीता होता है उसमें लगभग 1600 से 1800 या कहीं कहीं 2100 इंटरनेशनल यूनिट पाए जाते हैं, किसके? विटामिन ए के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो है इसमें सही ऑप्शन होगा आपका विटामिन ए, यानी कि रतौंधी यानी कि अंधेपन का कारण है विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि हम इस प्रश्न का सही से यदि हम पोस्टमार्टम करें तो देखिए इसमें और भी चीजें हैं, जैसे विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स या जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होती है तो आप पके आम या पके फल खाइए, और उसके अलावा पीले फल खाइए, और सब्जी की यदि हम बात करें तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाई जाती है, जो कि आपकी यूरोपियन गाजर होती है, मतलब नारंगी कलर वाली जो गाजर होती है उसको खाइए तो उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। और जो आपका, इसलिए गाजर को हम बोलते हैं नेत्र ज्योति विटामिन, क्या बोलते हैं? नेत्र ज्योति विटामिन, विटामिन ए को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि आईडीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईडीसी का पूरा नाम जो है इसमें ऑप्शन में दिया गया है इंडियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कॉरपोरेटिव और कोऑपरेटिव, और आपका चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वह होगा इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, क्या होगा? इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एगमार्क की स्थापना हुई थी, एगमार्क की स्थापना कब हुई थी? तो एगमार्क की स्थापना सन 1937 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1937 ईस्वी में हुई थी। लैक्टोज तैयार किया जाता है किससे? दूध से, या सोया दूध से, या गन्ना से, या चुकंदर से। तो लैक्टोज तैयार किया जाता है दूध में, बिकॉज लैक्टोज पाया जाता है इसलिए दूध से ही लैक्टोज तैयार किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूध। उसके बाद निम्न में
मेटाबॉलिक बीमारी है। मेटाबॉलिक मतलब जो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से संबंधित जो बीमारी होती है वह कौन सी है? ऑप्शन में आपके पास मेट्राइटिस, एक तो ऑप्शन है आपके पास मेट्राइटिस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मेस्टाइटिस जिसे हम थनेला बोलते हैं, और चौथा और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कीटोसिस, कीटोसिस और आपके पास तीसरा ऑप्शन था कीटोसिस और चौथा ऑप्शन है आपके पास पेरोसिस। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपके पास कीटोसिस, बिकॉज कीटोसिस जो है वह आपकी एक मेटाबॉलिक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, दूध में कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? अभी हमने कुछ समय पहले ही आपको बताया है कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है जो कि एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट या डाइसैकेराइड शर्करा होती है। तो दूध में मुख्यतः लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें ऑप्शन है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, तो इसका सही ऑप्शन होगा लैक्टोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस देश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? निम्न में किस देश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? तो ऑप्शन सही है आपके पास इंडिया, कौन सा? इंडिया जो है इसमें सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध का तल तनाव, तल तनाव को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है इसके भौतिक गुण से कि दूध का तल तनाव क्या होता है। दूध का तल तनाव लगभग 40 से 60 डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है, 40 से 60 डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। सेपरेटेड मिल्क का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? तो सेपरेटेड मिल्क का अपेक्षित घनत्व 1.037 होता है, क्या होता है? 1.037 होता है। उसके बाद असंतृप्त वसीय अम्ल है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन दिए गए आपके पास, ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, ऑलिक एसिड या फिर स्टियरिक एसिड। तो आपका इसमें सही ऑप्शन होगा ऑलिक एसिड, बिकॉज यह एक आपका असंतृप्त असंतृप्त वसीय अम्ल है, और इसके अलावा जो आपके तीन दिए गए हैं वह सभी के सभी आपके संतृप्त वसीय अम्ल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बरसीम चारा में, बरसीम में डीसीपी, डीसीपी का मतलब होता है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। हमने आपको बताया भी है एनिमल न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में कि डीसीपी का पूरा नाम होता है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, क्या होता है? डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन होता है। तो बरसीम में डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन है आपके पास 1 से 1.5%, 2.5 से 2.8%, 4 से 4.5% या 5 से 5.5%। ऑप्शन जो आपका सही है वह होगा आपका 2.8%। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द दिया था, हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो हार्मोन शब्द दिया था स्टार्लिंग ने, किसने दिया था? हार्मोन शब्द दिया था स्टार्लिंग ने, किसने दिया था? हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था। और आपका स्टार्लिंग ने एक नियम और दिया था, हृदय का नियम, जो आपका हृदय का नियम होता है लॉ ऑफ हार्ट बोलते हैं, स्टार्लिंग ने ही दिया था। ठीक है, मट्ठा का हरा रंग किसके कारण हो जाता है? मट्ठा जिसे हम भे बोलते हैं, भे, तो मट्ठा का जो हरा रंग होता है वह होता है राइबोफ्लेविन के कारण, किसके कारण? राइबोफ्लेविन के कारण होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किसका नाम होता है? राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नाम होता है किसका? विटामिन बी का। ठीक है, विटामिन बी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैरी मतलब सी ए आर आई मतलब सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? सेंट्रल एवियन, एवियन का मतलब जो पक्षी रिसर्च अनुसंधान संग्रहालय है वह कहां पर है? तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह है कहां पर? इसमें ऑप्शन दिया गया है पंत नगर, हिसार, मथुरा या इज्जत नगर। तो आपका इज्जत नगर में यह जो है आपका स्थित है, कौन सा? इज्जत नगर में स्थित है आपका कौन सा? सीएआरआई। पंतनगर में आपका कृषि एवं प्रौद्योगिकी पहला विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, दूसरा हिसार, करनाल, हिसार हरियाणा जो कि आपका एनडीआरआई हिसार हरियाणा, और उसके अलावा मथुरा में आपका बकरी का अनुसंधान। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसमें सबसे कम कच्ची प्रोटीन की मात्रा होती है? ऑप्शन है आपके पास फिश मील, ब्लड मील। कच्ची प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? फिश मील में या ब्लड मील में या फिर सोयाबीन मील में या फिर आपका कॉटन सीड मील में? तो सही ऑप्शन होगा आपका सोयाबीन मील में, सबसे अधिक कच्ची प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो कच्ची प्रोटीन पाई जाती है किसमें? सोयाबीन मील में। अब देखिए आपका आधा पेपर अभी सॉल्व हो पाया है और समय हो चुका है 29 मिनट, समय कितना हो चुका है? 29 मिनट का हो चुका है, और देखिए 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो हम बनाते नहीं है। आधा पेपर हम आपको पार्ट टू में प्रोवाइड कराएंगे, आधा पेपर हम आपको पार्ट टू में प्रोवाइड कराएंगे। यहां तक यदि आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए हैं तो जो है आप एक बार क्या करना,
एक बार देख करके इसके जो है पहले तो नोट्स बना लेना, और इनके सभी क्वेश्चन की जो हमने क्रॉस क्वेश्चन बनाए हैं उनको भी लिख लेना, बिकॉज डायरेक्टली आपसे परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।